की ओर। कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। लगातार चल रही शीतलहरों से हांडा कंपा देने वाली ठंड ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार लगातार 9 दिनों से कोल्ड डे। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार 1997 के बाद 2019 में सबसे लंबा कोल्ड डे सीजन है और यही हालात रहते हैं तो इतिहास का सबसे लंबा कोल्ड पीरियड होगा। जिस तरह से पहाड़ों से चली आ रही मैदानों की सर्द हवाएं चल रही हैं और संभावना यह है कि अगले सप्ताह भी सारे दिन कोल्ड डे होंगे। और मौसम एक्सपर्ट नवदीप धैया ने बताया कि इतिहास में जिले में इतने लंबे अंतराल तक कभी कोल्ड डे नहीं रहा और दिल्ली आईडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोट भी जारी बताया और 2019 से पहले 1997 में कोल्ड डे इतनी लंबी सीजन तक चला। रोहतक और दिल्ली का लगभग एक जैसा तापमान रहता है तो कहा जा सकता है कि रोहतक में भी 22 साल बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है और लगातार 9 दिन से कोल्ड डे पीरियड जारी है। इस सीजन का पहला कोल्ड डे 13